ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिल्कुल पसंद नहीं है ना। ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़े चल रहे सिर में। सच में क्या टाइम हुआ, होली खत्म हो गई क्या? क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हैं सब? सबको सांप सूंघ गया शायद। कौन सा वाला सांप दादी? ये वाला जो डांस कर रहा था। कौन सा बताओ? हमें वो ठंडाई वाला जूस, बुलाओ उसे, नहीं छोड़ेंगे हम उसे। आज तो उसकी नौकरी गई। हे भगवान, पता नहीं क्या तमाशा बना दिया हमने, पता नहीं क्या क्या किया, किस किस ने देखा। हम तो शर्म से धरती में गड़े जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दादी। हाँ दादी, और वैसे भी फैमिली मेंबर्स के अलावा वहाँ कोई नहीं था। हाँ, पर बच्चे तो थे, समझी तो थे। हे भगवान, शर्म आ रही है हमें बहुत। नानी देखिए, आपने जानबूझ के नहीं किया होगा, गलती से हो गया होगा। हाँ नानी, और आप वहाँ अकेली थोड़ी थी, दादी भी तो थी आपके साथ। देखिए आप प्लीज चिंता मत करिए, प्लीज आप गाड़ी से बाहर आ जाइए। हाँ प्लीज, दरवाजा खोलिए। किस मुँह से बाहर आऊँ, पूरी जिंदगी जो इज्जत कमाई वो मिट्टी में मिला थी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे सब मेरे बारे में। और वो जो वीडियो था ना, उसके अलावा भी बहुत कुछ किया होगा मैंने। सच सच बताओ, और क्या क्या हुआ जब हम अपने होश में नहीं थे, बताओ हमें। कुछ हुआ ना, हमने किया? नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया। हाँ पर ऐसा कुछ हुआ जो आपका जानना बहुत जरूरी है। नानी प्लीज, नानी प्लीज, नानी नानी प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है नानी। शुभम, और नाम क्या था लड़की का? सुहाना। हे भगवान, कि तू हमें पूरी बात बता। ऐसा वैसा खा लिया होगा दोनों ने, जिसकी वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग या फिर इन्फेक्शन हो गया होगा। हमेशा बुरा क्यों सोच रहा, कोई खुशखबर भी तो हो सके है। अरे वाह माँ जी, मतलब खुशखबरी भी हो सकती है क्या? डॉक्टर बताइए ना, क्या लग रहा है? एग्जर्शन है, गर्मी से हुआ या कुछ और? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ डॉक्टर? बच्चिया ठीक तो है ना? होश आया उन दोनों को? नहीं अभी नहीं, और अभी कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल है कि दोनों को एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहले हम कुछ टेस्ट कराएंगे और उसके बाद ही बता पाएंगे कि हुआ क्या है। पर चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। कैसा फील हो रहा है? क्या हुआ मुझे? चक्कर आ गया था, बेहोश हो गई थी तुम। हाँ मुझे
लग रहा था, इसलिए मैं पानी लेने गई। और तुम्हें लग रहा था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं वही था, तुम्हें कुछ हो जाता तो। कटके इतने परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ओके। यही प्रॉब्लम है तुम लेडीज की, जरा ओके फील होगा तो फिर काम करना शुरू कर दोगी, फिर खुद को एग्जर्ट करोगी, बेहोश होके गिर जाओगी वहीं पर। अरे कितना काम करती हो, इतना टेंशन लोगी, काम करोगी, भागोगी, दौड़ोगी, कभी खुद का भी ध्यान रखना जरूरी है कि नहीं? अब मैंने सोच लिया, मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखूंगा हमेशा, और वहां नक्श से भी कहूंगा कि खुद कीर्ति का ध्यान रखे हमेशा। तुम दोनों कहीं फिर से बेहोश होके गिर गए तो? दीदी को क्या हुआ? एग्जैक्टली पता नहीं है, पर रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। मैं तो उसे मिला भी नहीं अब तक। अरे तो क्यों नहीं मिले? जाओ मिल क्या उनसे। तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकता मैं। कार्तिक बाहर है ना सब लोग, तुम जाओ एक बार उनसे मिल के आओ। जाओ प्लीज, आप एक मिनट के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर मैं तो आई नो, पर पहले मुझे इनसे बात करनी है। डॉक्टर दीदी की तबीयत कैसी है, उनको होश आया? अभी बेटर है, आप जाके उन्हें देख आइए, अब तक मैं इनसे बात भी कर लेती हूँ। ठीक है। कौन सा टेस्ट किया आपने? मुझे पता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो टेंशन और थकान की वजह से चक्कर आ गया होगा। आप बस मुझे ये बताइए कि कीर्ति दी कैसे हैं, उन्हें क्या हुआ है? एक मिनट, पहले मैं रिपोर्ट देख लूँ। क्या हुआ है डॉक्टर? तुम माँ बनने वाली हो नायरा, कॉन्ग्रेचुलेशन। कोशिश करेंगे कि अगली होली तक हमारे पास भी ऐसे ही बेबी हो। क्या हुआ डॉक्टर, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? कीर्ति की रिपोर्ट में लिखा है कि उसका कंसीव करना बहुत ही मुश्किल है। उसके मां बनने के चांसेस बहुत ही कम है नायरा। नायरा जी? हाँ, वो कार्तिक से, मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है। सुहाना मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। बात तो हम तुमसे करेंगे शुभम, उस लड़की को लेके, और वो भी विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। किट्टू ने हमें सब बता दिया तुम्हारी बेवकूफी के बारे में। अभी हमारा ध्यान नायरा और कीर्ति में पटा हुआ है, उन दोनों की चिंता से मुक्त हो जाए, फिर बात करते हैं तुमसे। कैसी मुश्किल में डाल दिया गंगा मैया, एक खबर खुशी की और दूसरी दुख की। समझ में नहीं आ रहा है कि अपने लिए खुश हूं या दीदी के लिए दुखी। सॉरी, वो मुझसे गलती हो गई, मैंने रिपोर्ट उल्टी देख ली। प्रेग्नेंट कीर्ति है और कीर्ति की प्रेग्नेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, कीर्ति की प्रेग्नेंट है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, सब लोगों को ये खबर पता चलेगी तो सब कितने खुश हो जाएंगे। थैंक यू। एक मिनट, रिपोर्ट उल्टी पड़ी, मतलब तुम्हारी जगह कीर्ति की और कीर्ति की जगह तुम्हारी, पर अभी जो कह रही हूँ वो एकदम सही है। मतलब
कहती थी माफ कर सकती है, और मैं